नमस्कार। तो आपके दिलों से वो जो गम है एशियन कप की डिफीट का नहीं जा रहा होगा और काफ़ी चीज़ें दिमाग में आ रही होगी, लेकिन लाइफ में एक चीज़ कहते हैं मूव ऑन करना, तो वो आपको करना पड़ेगा। और इसलिए मैंने भी जो है सुपर कप देखा, एशिया कप के अदर मैचेस देखे और हम उन्हीं के बारे में आज बात करने वाले हैं। मेनली हम डर्बी जो मोहन बागान और ईस्ट बंगाल ने मैच खेला और ईस्ट बंगाल पहुंच चुकी सेमीफाइनल में। और उसके अलावा एशियन कप में आपने देखा एक शॉकिंग डिफीट, जापान को हरा दिया इराक ने। मतलब उसी इराक ने भाई हमने उनके अगेंस्ट खेला हुआ है एंड दे डिफीटेड जापान, द जायंट्स ऑफ एशियन फुटबॉल। तो ये होता है कि आपको कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा कि कंट्री आपकी आपके पूरे फेवर में आ जाए। और जापान को हराकर इराक ने अपने सारे फैंस का दिल जीता है। और यही हम हमारी भारतीय फुटबॉल टीम से भी चाहते हैं कि एक दिन कुछ ऐसा कर जाएगी कि वो हम सारे जो है ना शिकवे भूल जाएंगे। अब देखते हैं वो दिन कब आता है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम बात करने वाले हैं सुपर कप की डर्बी, जिसमें ईस्ट बंगाल ने 3-1 से हरा दिया है मोहन बगान द जायंट्स को। और अभी ईस्ट बंगाल ने, मैं ये कह सकता हूँ ईस्ट बंगाल फैंस काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि देखिए आईएसएल में जिस टाइप का आपका अभी एक मोमेंटम चल रहा था उतना अच्छा नहीं चल रहा था, तो मे बी एक आपका अच्छा न्यू ईयर एक स्टार्ट हुआ, ये मैं बोल सकता हूँ। और आप एक मोमेंटम की तरफ जा रहे हैं। और आप ये भी यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि जमशेदपुर एफसी भी आईएसएल में दे आर नॉट डूइंग वेल, बट इन सुपर कप वो एक सही मोमेंटम में आ रहा है, वो भी सेमीफाइनल पहुंच चुके हैं और ईस्ट बंगाल को फेस करने वाले सेमीफाइनल में। तो देखिए ईस्ट बंगाल मोहन बगान के इस मैच में क्या चीज़ें हमको देखने को मिली है, काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली है, मैं ये कह सकता हूँ। सबसे पहले देखिए मोहन बगान फैंस ये कह सकते हैं कि हमारे कुछ प्लेयर्स मिसिंग थे, की प्लेयर्स, और बिल्कुल की प्लेयर्स मिसिंग थे, थापा, सहल एंड अनवर अली, की प्लेयर्स मिसिंग। और कीपर में विशाल कैथ, जो मिस्टेक भी हमको देखने को मिली कीपर के साइड से, तो मिस्टेकन गोल्स भी देखने को मिले, एरर्स कुछ डिफेंस गोलकीपर। तो एक गोल तो हाँ, जो क्लेटन ने जो गोल मारा था वो तो आपको मानना पड़ेगा, वो गोल तो सटीक था, लेकिन जो दो गोल हुए, एक रवि जो राणा है उनका एक मिस्टेक हुआ, देन अर्शदीप ने भी खुद एक मिस्टेक करी वहां पे, वो ग्रैब नहीं कर पाया बॉल को, तो वो दो मिस्टेक जो थी वो काफी खली मोहन बगान को। और मोहन बगान ने जो पेनाल्टी भी मिस करी पेटिटॉस ने, वो भी कहीं ना कहीं एक कारण बनी, एक है ना गोल डिफरेंस का कारण बनी कि वो वापस आ नहीं पाए मैच में। और ईस्ट बंगाल को तो आपने देखा अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ वो खेले, और बस एक ही प्लेयर जिनके की प्लेयर मिसिंग थे महेश, तो उनको उन्होंने उतना मिस नहीं किया मेरे हिसाब से तो। और जो उनका एक प्लान था, मैं ये कह सकता हूँ कि जो विनिंग के लिए प्लान था कार्लेस क्वाद्रत का, कि हमको थोड़ा डिफेंस स्ट्रांग करना, आप यही कारण था ईस्ट बंगाल का कि भाई वो इस मैच को जीते हैं, बिकॉज ऑफ देयर डिफेंस। बहुत ही तगड़ा डिफेंस उन्होंने करा, कोई एरर्स ही नहीं करें, बस एक स्टार्ट में तो वो कह सकते मोहन बगान को स्टार्ट एक अच्छा मिल गया था, वो जो फ्लिक एक आ गया था कॉर्नर किक के थ्रू, वहां पे एक फ्लिक जो आ गया था हेक्टर का, वो गोल उनको बहुत सही मिल गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं अभी भी बोल सकते कि मोहन बगान अच्छा। और देखिए आप यहां पर ये बोल नहीं सकते कि मोहन बगान ने एफर्ट नहीं डाले जीतने के लिए, भाई फुल एफर्ट डाले। और मैं एक और चीज यहां पर कह सकता हूँ एफर्ट की, जब बात आई है कि पेटिटॉस के बहुत ज्यादा एफर्ट दिखे, देन एक प्लेयर जिन्होंने बहुत एफर्ट डाले और मैं चाह भी रहा था कि उनका एक गोल आ जाए या असिस्ट आ जाए, वह कियान नासिरी। भाई बंदे ने बहुत मेहनत करी पूरे मैच में, बहुत ज्यादा। और देखिए इस मैच में आपने एक चीज देखी कि जो ईस्ट बंगाल की मिडफील्ड थी उन्होंने भी बहुत सही वहां पर जो है ब्लॉक किया था, और मिडफील्ड जो है बनने ही नहीं दी। ह्यूगो बुमोस वगैरह को देख सकते विंग्स के थ्रू वो बॉल निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर मिड से वो चीज नहीं क्रिएट ही नहीं हो पाई। तो यहां पर आप बोल सकते कि सहल जैसे कुछ प्लेयर्स की क्रिएटिविटी मिसिंग, मतलब ये कह सकते हैं यहां पर। हालांकि लेकिन देखिए फुल आप देख सकते जो जिस तरीके से क्रॉसेस आ रहे थे, जिस तरीके से एफर्ट्स आ रहे थे मोहन बगान के, तो सब कुछ किया मोहन बगान ने, इंडिविजुअल प्लेयर्स अपनी क्वालिटी भी दिखाई, लेकिन सब कुछ सही होने के अलावा एक चीज मिसिंग थी, वो थी एंड डिलीवरीज जो होते थे ना, एंड प्रोडक्ट, वो सही नहीं आया। आप देख सकते थे कोई भी बॉल्स ऐसी किसी भी स्ट्राइकर्स के पास नहीं पहुंच पाई बिकॉज ऑफ ईस्ट बंगाल की टाइट डिफेंस, कोई एरर नहीं। आप देख सकते उनके भाई सारे ही डिफेंडर्स ने बहुत अच्छा अपना एफर्ट डाला, डेडिकेशन दिखाया, और यही चीज उनको उस विनिंग की ओर लेके गई। तो यहां पर आप, मैं यहां पर कई फैंस ये भी बोल सकते हैं मोहन बगान ने तो बिल्कुल परफॉर्मेंस ही नहीं दिया, तो आप देखिए सिंपल सी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मोहन बगान ने परफॉर्मेंस तो दिया, लेकिन आपके पास आप देखिए पेटिटॉस ही सब कुछ कर लेंगे क्या? मैं आप देखिए गोल भी मारने के लिए पेटिटॉस, क्रॉस भी कर ले पेटिटॉस, तो सब कुछ करने के लिए पेटिटॉस थोड़ी ना है, आपके पास और भी तो फॉरेनर्स है ना आगे। तो देखिए आपके करोड़ों के स्ट्राइकर तो भाई बेंच प्लेयर बन चुके हैं, अब कोई मतलब के रहे नहीं। एक जो प्लेयर है उनके साइड से भी वो चीज़ें नजर आती नहीं है, आप समझिएगा सादिकों की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपका जो है ना आगे, वो आगे ही
है सबसे बड़ा जो आपका वीकनेस है ना, वो आपकी आगे जो प्लेयर्स है वही है, बाकी आपकी टीम सब सही है, पूरे सबके एफर्ट भी आते सब। और भाई जेसन कमिंग्स वॉकिंग पेस पे पूरा गेम निकाल लेते हैं, तो मैं तो क्या बोलूँ उसके, मतलब एक होता है ना पेटिटॉस को, आप देखिए ये विंग कभी मिड में कभी डिफेंस में, मतलब वो बंदे का ऐसा एफर्ट आपको दिखेगा कि मैं टीम को पता नहीं क्या, और पूरे हर जगह तो वो होता ही कि भूख होती है ना, हंगर, इसलिए मैं पेटिटॉस का फैन इसीलिए हूँ। और मोहन बगान भाई, मोहन बगान इसीलिए भी है क्योंकि पेटिटॉस है आपके पास करंट में, क्योंकि उस प्लेयर के अंदर एक ऐसी हंगर है कि टीम को जिताना है, अपने एफर्ट डालना कुछ। हालांकि कई के ऐसे मौके भी होते हैं जहां पर वो एक्सेस कर देते चीज़ों को कि बॉल नहीं देते, कभी कभी बहुत ज़्यादा सेल्फिश भी हो जाते, लेकिन उसी की वजह से वो इतने क्वालिटी प्लेयर है, उस हंगर की वजह से उनको गोल्स भी मिलते हैं, उनके शॉट्स आप देख सकते हैं, फ्री किक देख सकते हैं, तो ये चीज़ इसलिए मैं उनका फ़ैन हूँ। अब यहीं पर देखिए, जो आप अपनी ईस्ट बंगाल की बात करें, ईस्ट बंगाल में आपने चीज़ें देखी भाई, एक तो क्लेटन के अंदर एक जो है ना, एक जो पोजिशनिंग इनकी होना चाहिए, इस वजह से आप देखो वो गोल निकाल ही लेते हैं कैसे भी करके। और अभी भी जो सिवेरियो है ना, वो भाई फॉर्म में नहीं आ पा रहे, अभी भी सिवेरियो को आप अभी, वैसे उन्होंने गोल मारा था अभी मैच में, लेकिन वो अभी भी उनका वो आया नहीं है, तो सिवेरियो में भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ सिवेरियो जो हैदराबाद एफसी वाला परफॉर्मेंस देते थे वैसा थे, क्योंकि देखिए हरेरा कहीं ना कहीं जो बोरा हरेरा है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है भाई इस बंगाल में, हालांकि कई लोग उनको अभी भी ऐसा बोलते क्रिटिसाइज करते कि वो टॉप फॉर्म उनका नहीं दिखता है, लेकिन देखिए वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन उनके साइड से मुझे काफ़ी नजर आता है। और आपके जो मिडफील्डर है क्रेस्पो भाई, उनका रोल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है ईस्ट बंगाल में, हर मैच में उनका आपको एक इंपॉर्टेंट रोल नजर आता ही है, जिस तरीके से एक होल्डअप करते बीच में है ना, डिफेंस को भी सही रखते हैं, आगे अटैकिंग लाइन को भी सही रखते हैं, तो एक लीडरशिप देते हैं। और साथ में सौविक चक्रवर्ती जो अभी उनके साथ सपोर्टिव एक खेलते हैं, मुझे बहुत पसंद आ रहा है अभी सौविक चक्रवर्ती, मतलब वैसे मुझे बहुत ज़्यादा सौविक चक्रवर्ती उतने पसंद नहीं होते एक्चुअली में, लेकिन अभी ईस्ट बंगाल में जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस आ रहा है क्रेस्पो के साथ, काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस मुझे नज़र आ रहा है। और एक प्लेयर की तारीफ मैं करना चाहूँगा इस मैच में, एक प्लेयर ने बहुत एफर्ट डाले, वह निशु कुमार। तो आप देख भी सकते थे कि जो कियान नासिरी थे उनको स्पीड से स्किल से काफ़ी बीट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निशु कुमार तो वहाँ पे एकदम इतने स्ट्रांग खेल रहे थे, आप देख सकते कितने ब्लॉक्स निशु कुमार के साइड से ही आए हैं, और उसी विंग से मोस्टली अटैक्स भी क्रिएट हो रहे थे जो डेडली अटैक्स, बिकॉज कियान नासिरी बहुत अलग ही फॉर्म में जा चुके अभी, कि अभी मुझे यहाँ पर प्लेइंग 11 में पूरा मौका मिलता है तो आई विल प्ले, मतलब मेरे 100% जितने भी एफर्ट्स होते हैं, बिकॉज कियान नासिरी मुझे एक ऐसे प्लेयर लगता है जब भी आप उनको चांस दें वो एक अपनी क्रिएटिविटी तो छोड़ के जाते ही है, आप उनका ISL में भी देख ले, लास्ट सीजन भी देख ले, अभी सुपर कप में भी देख ले, उनकी एक अलग ही छाप आ रही है। तो ये हुआ है कि यंगस्टर्स जो आ रहे हैं ना, कि यंग प्लेयर्स हमको अच्छे मिल सकते हैं, बस इसी तरह से हमको जो है उनको गेम चांस देते रहना है, गेम टाइम देते रहना है। तो देखिए दोनों ही टीम्स का परफॉर्मेंस मुझे मैच में काफी ठीक लगा, ऐसा नहीं बोलूंगा कि कोई टीम बहुत ज्यादा डाउन दिखी। देखिए ईस्ट बंगाल की स्ट्रेटेजी थी थोड़ा डिफेंसिव खेलना है, डिफेंस स्ट्रांग करना है, और उन्हें गोल्स मार दिए थे तो डिफेंस उनको स्ट्रांग करना भी चाहिए था, बिकॉज डिफेंस जो है ना भाई आपको ट्रॉफीज जिताता है, अटैक तो आपको मैच जिताता है, लेकिन आपको डिफेंस अगर अच्छी करोगे तो आपको ट्रॉफी जीतने, क्योंकि ये कहा जाता है कहावत है, तो उसी कहावत पर शायद कार्लेस क्वाद्रत ने अपनी टीम को खिलाया है, तो काफ़ी अच्छा डिफेंस करा उन्होंने और गोल्स भी अच्छे अच्छे मिले उनको, और जो एरर्स है एरर्स पे भी फॉलोअप अच्छा था ना प्लेयर्स का, तभी तो गोल मिले, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो देखिए मोहन बगान का सफर तो सुपर कप में खत्म हो चुका है, लेकिन आई होप कि जब ISL रीस्टार्ट होगा तो वहां पर उनका मोमेंटम को वापस लेकर आएंगे, उनके प्लेयर्स वापस आएंगे और कम्प्लीटली फिट, आई होप कि सभी प्लेयर्स फिट रहेंगे। ईस्ट बंगाल के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए एक विनिंग मोमेंटम उनको मिल चुका है अभी, जिस तरीके से सुपर कप में परफॉर्मेंस दिया, तीनों मैच विन करे, सेमीफाइनल में पहुंच गए, एंड आगे तक जाए तो जाए ISL में भी भाई ऐसा मोमेंटम वापस क्रिएट कर पाए, मैं ये भी चाहता हूँ, बिकॉज अच्छी टीम्स है वो अच्छा खेले ये बिल्कुल होना चाहिए। तो आप इस मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या आपने भी इस मैच को उतना एंजॉय किया जितना मैंने किया, जो भी आप कहना चाहें जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।